हेलो एवरीवन, होप आप सब ठीक हो। बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। एक छोटा सा स्कैम मार्केट में चल रहा है इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट बुक करने का, जो अभी मैंने सुना तो मैंने पहले भी था, लेकिन अभी जब क्लाइंट्स आते हैं बताते हैं सर इतने पैसे दिए थे एमरजेंसी अपॉइंटमेंट लेने के, मुझे तो मिली नहीं, मैंने इतने दिए थे। जो मैंने प्रॉब्लम ऑब्जर्व करी कि लोगों को ये ही नहीं पता कि वो एलिजिबल भी हैं या इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए कि नहीं है। इमरजेंसी अपॉइंटमेंट तो आपको तभी मिलेगी अगर आप एलिजिबल हो, आप एलिजिबल ही नहीं हो तो आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिल सकती है। ठीक है, चार चीजें बताऊंगा, ठीक है, चार चीजें ये आप दिमाग में रख लो और बाकी भी सबके साथ शेयर करना कि किसी के पैसे कोई ले ना जाए US की इमरजेंसी अपॉइंटमेंट दिलवाने के नाम पे। क्योंकि जब भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती तो लोगों का होता यार कोई बंदा अपॉइंटमेंट दिलवा दे इमरजेंसी, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मैं पहले चेक करूं मैं एलिजिबल भी हूं या नहीं हूं। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली चीज I-20 जो आपके पास है वो आपकी एलिजिबिलिटी बनाती है। अगर आपकी I-20 के ऊपर जो आपकी कोर्स स्टार्ट होने की डेट है वो 60 डेज के अंदर आ रही है, मतलब 60 डेज के अंदर अंदर ही आप इमरजेंसी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, 2 महीने के अंदर अंदर ही। मान लो अगर किसी के पास I-20 पड़ी है मई इनटेक की, समर 2022 की, तो अगर वो अभी जनवरी में इमरजेंसी के लिए अप्लाई करे तो उसे अपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका कोर्स स्टार्ट होने में अभी 2 नहीं 4 महीने पड़े हैं, 4-5। तो 2 महीने का पहला रूल है, ठीक है। दूसरा रूल, आपकी सर्विस फी है जो वो पेड होनी चाहिए, ठीक है, और उसका डॉक्यूमेंट आपने देना होता है, I-20 और सर्विस का डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना होता है। तीसरा रूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप रिजेक्टेड नहीं होने चाहिए 6 मंथ्स के अंदर अंदर। अगर आप रिजेक्ट हो चुके हो रिसेंटली, आपका वीजा रिफ्यूज कर दिया गया है, स्टडी वीजा की मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में, ठीक है, आपका वीजा रिफ्यूज कर दिया गया है 6 महीने के अंदर अंदर, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ लो, अगर आप मान लो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो इमरजेंसी और आप पिछले महीने ही इंटरव्यू देके आए हो और वीजा नहीं मिला था, या उससे पिछले महीने या 3 महीने पहले, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। ये चीजें लिख लो, समझ लो और शेयर करना। जब पता नहीं कितने सारे स्कैम हो रहे हैं मार्केट में, मैं कोशिश करूंगा 1 by 1 सारे के सारे हम कोशिश करेंगे वीडियोस के जरिए आपके सामने लाने की। आप शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार लोगों को अगर सही इन्फॉर्मेशन दो तो वो रिस्पोंड करते हैं। यू नो, यू कैन लाइक इट, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड और भी अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा आपको वो प्रोवाइड करवाने की। एंड अगेन, अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो, आप चारों की चारों चीजें पूरी कर रहे हो, चारों की चारों कंडीशन पूरी कर रहे हो, फिर भी 100% गारंटी नहीं होती कि आपको इमरजेंसी अपॉइंटमेंट मिलेगी, ये भी बात याद रखना, फिर भी आपकी रिफ्यूज हो सकती है। तो पैसे देने से पहले कंफर्म कर लो कि भैया मुझे पक्का दोगे ना आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप माइंड में रखना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।